मैन ऑफ शिवम और मैं हूँ विशाल। सो गाइस ऑलराउंडर सर बैक विद अनदर न्यू फ्रेश ब्लॉग वीडियो। तो गाइस यार आज बड़ी तेज भूख लगी तो हमने सोचा मूलचंद के पराठे क्यों ना टेस्ट कर लिए। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने मूलचंद का नाम ना सुना हो मेरे भाई। यू आर राइट ब्रो, मतलब मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ ना मूलचंद के पराठे का नाम सुन के, क्योंकि वहाँ पे ना आज तक नहीं गया सही बताऊँ तो। भाई इतनी ज्यादा फेमस है ना वो शॉप, मतलब बहुत ही ज्यादा साल पुरानी है। मैं पूछ के बता दूंगा यार उनसे कितने ज्यादा साल पुरानी है। ना यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वो, तो वहाँ जाके पता चलेगा क्या एक्सपेंसिव है क्या चीपेस्ट है और क्या स्वाद है। खाली नाम नाम तो नहीं मूलचंद, मैं सुना मूलचंद पराठे के नाम से मेट्रो स्टेशन खुल चुका है, मतलब खुल गया था। और गाइस अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मूलचंद मेट्रो स्टेशन ही है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा, इतनी तेजी से ओपन होगा ना उतनी तेजी से आप पहुंच भी नहीं सकते वहाँ पे। कोई सेंस है इस बात की? बाकी यार जैसे कि मतलब आपने थंबनेल में देख लिया होगा मूलचंद के पराठे की फोटो, फोटो से क्या होता है मेन तो रिव्यू जो कि हम देंगे वहाँ जाके। बाकी यार वहाँ पे हम जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं क्या वहाँ पे खाने लायक है और मतलब हर तरीके का रिव्यू देंगे। एक्सपेंसिव पराठा होगा तो उसके भी देंगे और जो चीपेस्ट होगा उसका भी देंगे। भाई व्लॉग में मजा ना आए ना तो कह देना भाई। ओके 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 ओके, ट्राई करेंगे तो अंदर भी जाके दिखाएं मूलचंद के पराठे बनाए कैसे जाते हैं। तो गाइज यार सुन सुन के ना भाई ये इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा, मुंह में पानी आया जा रहा है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से चलते हैं भाई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, हमारे पीछे देखो भाई वो रहा मूलचंद पराठा, मेट्रो से बिल्कुल नीचे उतरते ही दिख जाएगा आपको। मतलब यार आपको क्राउड से पता चल गया कितनी ज्यादा भीड़ है, कितना ज्यादा फेमस है ये। तो चलिए भाई मेन मेट्रो स्टेशन ही मूलचंद है और जहाँ मतलब खाने के लिए आए हैं मूलचंद पराठे वो भी यही नाम है। तो खुशबू बहुत तेज आ रही है भाई, जल्दी से चलते हैं और पराठे लेते हैं यार। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, मेरे सामने देख सकते हो मूलचंद पराठा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई मूलचंद मेट्रो स्टेशन पे। अगर आप यहाँ आना चाहते हो ना तो भाई मूलचंद नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक नीचे ही आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा मूलचंद पराठा, जिसके अलग अलग प्राइजेस है। बाकी यार जल्दी से देखते हैं अपना ऑर्डर देते हैं, और इतनी ज्यादा भीड़ ना भाई क्या ही बताएं। क्या हो गया भाई? भाई मैंने ले लिया पर्ची दो पराठे, ये एक सबसे लोएस्ट प्राइस का पराठा लिया है, एक सबसे एक्सपेंसिव, एक है आलू पराठा और एक है चीज पनीर पराठा। मतलब ये तो वही बात होगी कि गरीब भी खा सकते हैं अमीर भी हैं। ये लिया ना तो मैंने बता दिया, तो उन्होंने बोला क्या, तो मैं बोला एक चीज पनीर, बोला वो तो सही है पैसे। अच्छा बाकी यार मतलब मूलचंद के बाहर देख सकते हो कितनी जबरदस्त भीड़ हो रखी है, लेकिन हम उतना मतलब बनाते हुए नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर रश बहुत ज्यादा है और ज्यादा अलाउड नहीं है हमें, लेकिन हम किसी तरह दिखा देंगे। हैं गाइस यार हमें आए हुए आधा घंटा हो गया पर अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, पर्ची वगैरह तो ले लिया, तो यार भीड़ देख सकते हैं। हम सोच रहे थे भाई ऑनर से बात नहीं करें पर इतनी ज्यादा भीड़ में कैसे करें, वो बंदों को टाइम ही नहीं दे पा रहे बिल्कुल। तो गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब मूलचंद पराठे के अलावा और भी चीजें, पाव भाजी 80 रुपए। बाकी आप देख सकते हो लाइन से, मतलब मेन मेन्यू मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले ये सब आप देख लो कितनी ज्यादा भीड़ है। वो देखो जहाँ पे सब खाते हैं वहाँ भर मतलब फुल भरा हुआ है, और नॉर्मल जो मतलब होती है वो भी है लस्सी वस्सी। बाकी भाई यहाँ का मेन्यू है देख सकते हो आप, स्टार्ट है 40 रुपए से 170 तक है। तो हम मतलब सबसे वो लेंगे सबसे ऊपर वाला, सबसे मतलब एक्सपेंसिव वाला लेंगे पराठा, जो कि हमने ऑर्डर मतलब दे दिया है, और देखते हैं बाकी और यहाँ पे क्या क्या है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है यार देख सकते हो आप, शिवम को इतनी देर होगी ना भाई अभी तक ऑर्डर दे रखा है पर अभी तक मिले नहीं है हमें पराठे, तो यार थोड़ा वेट और करते हैं और देखते हैं जल्दी से नंबर आने ही वाला है अब तो बस। जैसे खुलने की टाइमिंग क्या है यहाँ की? सुबह साढ़े छह रात साढ़े ग्यारह। होली का रक्षाबंधन अच्छा, होली रक्षाबंधन पे बंद रहना, बाकी सातों दिन खुला है।
कुछ भी हो जाए। कितनी देर में मिल जाता भैया एक पराठा? ये हिसाब से हम आओगे, कौन सा चाहिए? पनीर पराठा 5 मिनट। अभी ये भैया कौन से पराठे बन रहे हैं? आलू के हैं। आलू के हैं, आलू है, अंडा है, गोभी है, पनीर है। अच्छा, चिकन का भी है? चिकन का भी है। अच्छा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कितने लोग कर रहे होंगे काम इस टाइम? दो शिफ्ट होता है। दो शिफ्ट होता है क्या, मतलब नाइट का और सुबह का? हम चले जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे। कितने लोग होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम? 20 है। अच्छा, टोटल 20 है सुबह का शिफ्ट में? 20 है। अच्छा, एक शिफ्ट में 20 है? हाँ जी, एक में 25 है। अच्छा, एक में 20 है और एक में 25। तो भाई आप देख सकते हो हम यहाँ अंदर आ गए, यहाँ पे चाय भी मिलेगी आपको अगर आप पराठे लोगे तो। चाय देख सकते हो भैया बना रहे हैं। आप देख सकते हो यार यहाँ कितने सारे पराठे बन रहे हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है लेकिन भैया किसी तरह बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर रात हो गया यार। भाई बहुत देर लगा दी यार, भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। आलू पराठा, पनीर चीज पराठा, तो तसल्ली से कहीं बैठ के दिखाते हैं। भाई हम वहाँ से आ चुके हैं, हम यहाँ पे आके इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था, खड़े होने के लिए जगह मतलब बना रखी थी खाने के लिए, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा क्राउड था कि हम वहाँ वीडियो शूट भी नहीं कर पाते, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो हमने सोचा यहीं पर लिया था, थोड़ा साइड में पार्किंग के पीछे जगह है, थोड़ा खड़ा बना हुआ है, तो वहाँ बैठ के खाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमने दो तरीके पराठे लिए, सबसे महंगा और सबसे सस्ता। तो ये है सबसे मतलब सस्ता वाला, ये है आलू पराठा जो कि यहाँ मोस्ट फेमस है। ये है मात्र 50 रुपये का एक पराठा, और ये है सबसे एक्सपेंसिव 170 रुपये का चीज़ पनीर पराठा, ये आप देख सकते हो। बाकी इसके अंदर फिलिंग क्या है बताएंगे, दोनों के साथ एक एक अमूल बटर की टिक्की है। भाई व्यू बस सोच रहे हैं, कोक भी फ्री मिली है। कोक मतलब हमने अलग से लिए कि कोक के बिना तो यार काम ही नहीं चलेगा। तो गाइस मैंने बटर लगा लिया है, तो उसकी फिलिंग पहले दिखाता हूँ मैं अंदर। तो आलू की यार गजब फिलिंग है, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा, वैसे सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। ऐसे पराठे वही घर पे बनेंगे ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं एक भी। इसके स्वाद मतलब मैं बता दूं, एकदम सॉफ्ट है अंदर, मतलब आलू की फिलिंग बढ़िया हो रखी है, और मसालों का कॉम्बिनेशन तो एक नंबर है। बाकी अमूल बटर बन डाल दिए उससे तो एक नंबर स्वाद हो गया। बाकी सैलड के साथ को खाने में तो और मजा आ गया भाई। बाकी मैं अगला टेस्ट करता हूँ जो कि है एक्सपेंसिव वन, 170 रुपये का चीज पनीर पराठा। ये था आलू पराठा, ये तो साइड रख दिया, वो भाई खा लिया। तो गाइस इसमें बटर एकदम डाल दिया, मूल बटर, मतलब आपको पता बटर में नहाने की आदत है। तो ये हमने निकाला चीज पनीर पराठा। ओए होए भाई चीज देख यार, अब इसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। इसका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है यार, हिसाब से स्वाद है भाई एक नंबर का है पराठा। मतलब आप यहाँ आगे ना पैसा वसूल है, आप मेट्रो को उतरोगे ना, मतलब मेट्रो में हो गए तो मेट्रो का नाम भी है मूलचंद, उससे फेमस क्या हो सकता है। मेट्रो में ही खुशबू आने लग गई थी। हाँ, मेट्रो से आप एग्जिट लोगे ना वैसे भाई एकदम खुशबू आने लग जाएगी पराठों की, जैसे बाहर आओगे ना एकदम भीड़ दबा के, ऊपर मतलब बोर्ड लगा हुआ एकदम पराठों का 10 बार, मतलब अलग तरीके पराठे नहीं और भी चीजें हैं, आप आओगे तो आप देख सकते हो। लेकिन मेन फेमस यही है मूलचंद के पराठे, जो कि हमने टेस्ट देते, विशाल देगा टेस्ट दे देते, लेकिन टेस्ट देखते क्या पता मेरे को अच्छा लग रहा हो, इसको क्या पता खराब लगे। चल सही है, आर यू श्योर मैम? तो गाइस शिवम भाई ने आपको रिव्यू लेकर तो बता ही दिया, बाकी यार ये तो बिल्कुल खाली हो गए तो, क्योंकि बटर इसमें से पहले ही डल रखा है। तो सबसे पहले मैं जो टेस्ट करने वाला हूँ वो है आलू पराठा, इसका जो प्राइस है वो कितना था भाई? 50 रुपए। 50 रुपए में आपको आलू पराठा यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि देखो यार पराठा कितना ज्यादा सही लग रहा है देखने। ये देखो भाई पूरे आलू भरे हुए हैं, इसने तो सही से फीलिंग दिखा दी एकदम सही भाई, ताकि व्यूअर्स को कुछ ये ना लगे कि शिवम झूठ बोल रहा था। तो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने ही है यार,
और बटर में तो इतना घोल दिया है ना इसे, ये स्वाद तो आने ही आना है। बटर इस पे लग गया है और ये है थोड़ी सी प्याज, देखते हैं खाके यार कैसा टेस्ट है। घर जैसा है उससे भी ज्यादा सही है तो बताता हूँ। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मीन इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा था, ऐसे नहीं है आलू कच्चे हैं। बहुत ज्यादा यूनिक टेस्ट है यार, काफी चटपटा भी है तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है खाने में। 50 रुपए के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा सही है यार ये पराठा। नहीं, ये जो आलू पराठा है ये ना 50 रुपए का, जो कि सबसे ज्यादा कम प्राइस, इससे कम था प्लेन पराठा, पर वो हमने लिया नहीं, उसमें कुछ नहीं होता, खाली पराठा होता नॉर्मल। ये है चीज पनीर पराठा, इसका प्राइस है 170 रुपए। देखते हैं इसमें कितना ज्यादा चीज, ये बटर हमने ऊपर से डाल रखा है, बाकी ऊपर से भी पूरा फाड़ देता हूँ मैं, फाड़ देता हूँ। ये देखो भाई, ओए होए, चीज और पनीर तो भाई इसमें भरा पड़ा है बुरी तरीके से, चीज ही चीज है। बाकी देखने में तो भाई बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, बाकी टेस्ट भी करके देखता हूँ यार क्या पता, बस देखने में ही सही है भाई। मूलचंद भाई इतने ज्यादा फेमस है ना, देखता हूँ फेमस सही दिए या बस ऐसे बना रहा। घटिया है ना भाई, स्पीचलेस एकदम, स्पीचलेस मतलब है ना, चीज पहले पता चल रहा है पराठा खाने से पहले ना मुंह में चीज का टेस्ट आ रहा है, इसके बाद पराठा का टेस्ट आ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। बाकी बटर जो ऊपर से डाल रहे थे ना वो और ज्यादा इसके टेस्ट को बढ़ा रहा है। बाकी यार हम मतलब जल्दी से खाते हैं और आपको यहाँ के बारे में सारा रिव्यू देते हैं, और सब जो भी मेन्यू आपने देख ही लिया होगा। बाकी आउटरो में हम मतलब खास खास चीजें बताएंगे जिससे कि आप मूलचंद पे आने पे आपको कोई दिक्कत ना हो, और प्राइस के बारे में बता देंगे। भाई ये ना खत्म करते हैं, और हो सकता है यार और भी खाने पड़ते, तो मेरे को भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, सही बताऊं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्या हुआ भाई, ये पराठा क्यों छोड़ दिया इतना चीज वाला, तो खाया नहीं जा रहा यार, इतना ज्यादा हैवी हो गया, मैंने तेरे से भी तो नहीं खाया जा रहा भाई। सही में यार ये वाला पराठा कितना हैवी लग रहा है, खाली सिंगल है फिर भी सही, और दो मिलके भी नहीं खा रहे यार पराठा ना। हम तो सोच रहे थे और लेने की यार, इसी में हालत खराब होगी है, इसे आधे से भी कम कर दिया, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा भाई। इसमें पनीर और चीज, भाई मेरे को लगा ना कि खाली नाम का है, जो पनीर और चीज देखो भाई, चीज है ना दांतों में चिपक रही है इसकी है इतना भाई, मतलब टेस्टी तो एक नंबर है इतना, मतलब कुछ वो नहीं होता कि ज्यादा मीठा खाओ तो मन भर जाता है, वही हाल भाई, इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, और चीज और पनीर इतना भरा हुआ है ना कि मन ही भरा जा रहा है। तो जल्दी से खाते और मिलते हैं आउटरो में इसी तरह। A few moments later. गाइस यार हमने फाइनली कंप्लीट कर ली मूलचंद के अंदर, शॉप के अंदर एकदम घुस के, बिल्कुल गाइस यार इतना ज्यादा पेट भरा भरा हो गया ना भाई, क्या बताऊं, पर टेस्ट इतना ज्यादा लाजवाब था ना, इसको तो अभी तक डकारे आ रही है। मैंने जब आलू पराठा खाया ना तो मतलब नॉर्मल लगा, कोई मतलब ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, मतलब टेस्ट में तो सही था, लेकिन मतलब जो होता है ना कि हैवी हो जाता पेट, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने चीज पनीर पराठा खाया भाई, यहाँ तो गले तक आ गया था, मतलब इतना हैवी बना रखा था, एकदम फुल एकदम कर रखा था ना तो चीज और पनीर से, कि भाई माइंड एकदम सुन्न हो गया। अच्छा आपको वीडियो कैसी लगी यार ये बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर दो अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइबर भाई धीरे धीरे ना और ज्यादा भाई आई की स्पीड से बढ़वाओ, वो तो यार मतलब आपको करना जरूरी है, उसी के ऊपर हमारा चैनल टिका हुआ है। बाकी मैं एक और मेन बात बता दूं, वहां का अगर मैं रेटिंग दूं मूलचंद के पराठों की, जो हमने मतलब चीपेस्ट और एक्सपेंसिव वाला दो पराठे खाए हैं, मतलब मैं 10 में से 9 देना चाहूंगा। बिल्कुल गाइस मेरी तरफ से भी सेम ही है यार, चलो चलो चलो। बाकी भाई मूलचंद के पराठे नहीं खाए तो क्या खाया यार, मतलब अरे यार इस वीडियो कैसी लगी ये बता देना यार, हम आपको मिलेंगे इससे भी और ज्यादा बढ़िया कंटेंट के साथ, जेन्युइन करना भाई आपको, ख्याल रखना है अपना और अपने परिवार का, क्योंकि अपना परिवार है भाई, इसलिए तो हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक हम दोनों की तरफ परिवार है तो हम है भाई, हम दोनों भाई की तरफ से राम राम।